तो टोटल 17 मेंबर्स को अरेस्ट करा। कितने का फ्रॉड किया होगा इन लोगों ने, मोटा मोटा आइडिया का? अभी तक मेरे पास 5 केसेस है और बाकी मेरा स्टेट में 32-40 केसेस है। वो पूरा इंक्वायरी चल रहे, वो पूरा होने के बाद अपन बोलने कर सकते हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया कि तेलंगाना के लोगों को ही टारगेट करते थे या कहीं और भी? वैसा मैं नहीं बोल सकता हूँ, इधर तेलंगाना में ऐसा हुआ बोल के वो इन्वेस्टिगेशन में यहाँ तक आए और कुछ मिले तो वो भी कंसर्न पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सर अभी तक कुछ पता लगा कितने लोगों से, कब से लोग कर रहे थे इस तरीके का फ्रॉड, या कुछ कितने का अभी तक फ्रॉड कर चुके होंगे? अभी मेरे पास 15-20 लाख का फ्रॉड हुआ, तो मेरा स्टेट में 32-40 केसेस है अभी। मुख्य आरोपी इसका कौन है, कोई गिरफ्तार हुआ है? मुख्य जो सरगना है इसका संचालक है, गिरफ्तार हुआ है? हाँ। क्या नाम है उसका? नाम नहीं बोलता अभी। थैंक यू। आप लोग यहाँ पर रेड करने आए थे, कहाँ आपने रेड करी, कितने लोगों पर अरेस्टिंग की और क्या आरोप है इन लोगों पर? ओके, मैं साइबराबाद कमिश्नरेट हैदराबाद तेलंगाना पुलिस से हूँ। मेरा पुलिस स्टेशन में साइबर क्राइम का एक केस रजिस्टर हुआ नवंबर महीने में। ये लोन फ्रॉड के लिए केस हुआ, वो बजाज मुद्रा टाटा धनी एट्सेट्रा प्राइवेट लोन कंपनी से एक कॉल सेंटर लगा के, फेक कॉल सेंटर लगा के, वो कॉल इधर से मैं बजाज से बात कर रहा हूँ, नहीं तो धनी कॉल सेंटर से बात कर रहा हूँ, आपको पर्सनल लोन होना है बोल के कस्टमर्स को कॉल करके उन्हों एक्सेप्ट करे तो उनको रजिस्ट्रेशन चार्जेस के लिए, जीएसटी के लिए, प्रोसेसिंग फी के लिए और इंश्योरेंस के लिए ऐसा पब्लिक से पैसे इनका अकाउंट्स में डाल रहे। वो कॉल सेंटर सेक्टर नंबर 63 ब्लॉक सी 140 नोएडा में है। वो हैदराबाद से हम लोग आके उधर राइड करा।